बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से आए हुए गोल्डन मैन मौजूद हैं कराची के अंदर हिल पार्क चरंगी पर। आइए इनसे कुछ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इस्लामाबाद से आए, अपने बारे में अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान, गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के नाम से मुझे जानते हैं। तो मैं पहले इस्लामाबाद के अंदर होता था, अभी मैं मेरी वालदा ने इधर कराची बुला लिया, तो मैं दो दिन सीढ़ियों खड़ा हुआ। सीढ़ियों के बाद उधर सीढ़ियों में लोग कहते थे इधर ना खड़े हो, इजाज़त नहीं है, DHA वाले इजाज़त नहीं देते। इस वजह से मैं आप ये इस चौरंगी पे आके खड़ा हूँ। आज मेरा पहला दिन है इंशाल्लाह, माशाल्लाह सारे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तस्वीरें वीडियो, इसके अलावा मतलब कुछ हेल्प भी करके जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर लोग सपोर्ट करते थे, इसकी अब कराची के अंदर भी माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गदागरी जो कि एक आलमी मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ये एक पेशा बन चुका है, यानी पेशा वराना गदागरी रूज पर है। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर आज तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि इससे इसको रोका जाए या इसका सत्यापन किया जा सके। आज सुबह कराची की एक चरंगी पर गोल्डन मैन, जो कि गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के नाम से मशहूर है, नजर आए, तो हमने सोचा कि उनसे कुछ बात की जाए। गोल्डन मैन वो के कराची वालों को सराहते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनकी एक शिकायत नजर आई वो ये कि इनको CBU पे जो इन्होंने देखा कि एक तफरीही मुकाम है, और ये एक तफरी है, यानी हम लोगों के चेहरों पे हल्की सी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट बिखेर देते हैं, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया कि इनको यहाँ अलाव नहीं है। तो ये बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि सैकड़ों गदागर वो तो उनको तो अलाव है, लेकिन एक शख्स जो कि चेहरों पर बखेर रहा है उसको ये कहकर वहाँ से हटा दिया जाता है कि अथॉरिटीज जो है, जो भी वहाँ के हुकाम हैं जो इलाके के, वो इसकी इजाज़त नहीं देते। खुदारा सोचिए कि एक शख्स जो कि 22 पत्ता है कुछ चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाने का, उसको हम ये कहकर मना कर देते हैं कि भाई अथॉरिटीज या इलाके में आपको इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ एकड़ों की तादाद में गदागर खुले आम घूम रहे हैं, जो कि लोगों को परेशान भी कर रहे हैं हर सिग्नल हर जगह पे। अगर एक शख्स सिर्फ अपने आप को एक मुजस्मा बना के खड़ा है, और अगर वो उसको उसके आगे डब्बे में आप कुछ पैसे डाल देते हैं, तो इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की तफरी को हम अगर तरवीज दें तो उन गदागरी से तो ज़्यादा बेहतर है।